हिंडनबर्ग खुलासे को लेकर लगातार सियासत हो रही है, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उसकी डेट, आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवीन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे, वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। यह वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या हैं आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज फ्रेंड्स टूलकिट गैंग्स, कांग्रेस पार्टी टुडे इज has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था एफडीआई में, एफआईआई में, क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से, उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं, देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई,
तो लगे हिंदुस्तान में घूमने। वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन। ये है इनकी सोच। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहूंगा, जिन्होंने भारत को खोलने में काम किया था इकोनॉमी को, कि कब तक आप खामोश रहेंगे, हा? जब चमन उजड़ जाएगा। लेकिन चमन उजड़ेगा नहीं। मुझे बहुत गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है, आज भी। पिछली बार तो जब ये हुआ तो 2 दिन में रिकवर कर गया, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी आई तो और रिकवर कर गया। लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग और कांग्रेस के मिलीभगत को समझ गए हैं, इसलिए आज भी कोई गड़बड़ नहीं है। हम भारत के स्मॉल इन्वेस्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस सुनियोजित षड्यंत्र पर वो विश्वास नहीं किए। सैल्यूट टू देम। दूसरी बात हमको कहनी ये है कि जो पूरी टाइमिंग है, ये टाइमिंग का मतलब क्या है? सेशन खत्म हुआ, शनिवार को आया, रविवार को हल्ला शुरू हुआ, और आज मंडे है। तो 2+2 = 4 किया जाए, और इसके पहले जुलाई में हिंडनबर्ग को सेबी की नोटिस जाती है, आप जवाब दो। तो एक शब्द है, लीगल शब्द है, देयर इज टू मेनी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग दिस। कई संदेहास्पद परिस्थितियां हैं इसके पीछे। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 22 इंक्वायरी कंप्लीट, एक और कंप्लीट हो गई 23। अपनी पूरी रिपोर्ट बनाने के क्रम में इस इंक्वायरी के बाद जो सेबी ने बताया, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सेबी का विषय है। उन्होंने नोटिस दिया हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए। तो फिर यह बम फोड़ने की कोशिश की गई, और यह बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने, जेपीसी। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी wants to say with full sense of responsibility that the present leadership of Congress party is involved in creating economic anarchy in India based upon these fictitious reports. Congress party के जो 2-3-4 प्रदेश बचे हैं, मैं उनके मुख्यमंत्रियों को कहूंगा कि आपके यहां विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो क्या, नहीं आए क्या? जिस ग्रुप को लेकर के रोज वो माला जपते हैं, उस ग्रुप के काफी पूंजी निवेश तो उन प्रदेशों में भी हो रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों है ये? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस पूरे षड्यंत्र को देश में बेनकाब करेगी, पूरे देश को बताएगी किस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर रिपीट करूंगा, जुलाई में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इंक्वायरी कंप्लीट, अब आप जवाब दो, फिर ये आ गए मैदान में। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबे हियरिंग में एक बार भी कांग्रेस पार्टी या टूलकिट के लोग इन्वॉल्व नहीं हुए। क्या हमें यह कहना है? और याद करिए,
एक बार राहुल गांधी ने कहा मेरा भी फोन कौन सा था संजय जो पेगासिस, थैंक यू पेगासिस। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चली तो हमें लगा राहुल गांधी कम से कम अपना फोन तो दे देंगे कि उनकी फोन की भी जांच हो जाती, नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, उस फोन में क्या था, क्या निकलता, कैसे निकलता, छोड़ दीजिए। तो आप खाली आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे।